बीते दिनों कुंडा थाना क्षेत्र के नौलखा के पास हुए गोलीबारी में देवघर पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 6 लोग घटना में संलिप्त बताए जाते हैं, वही 2 अन्य लोग जो अपराधियों को पनाह देने में कसूरवार हैं। देवघर एसपी पीयूष पांडे ने खुलासा करते हुए कहा कि जेल के अंदर गुटबाजी से उत्पन्न हुई दुश्मनी का बदला लिया गया। उन्होंने कहा कि जख्मी अनंत सिंह और घटना में पकड़े गए लोग जेल में बंद थे। जेल से बाहर आने के बाद उक्त अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इन लोगों के पास से एक बाइक, 2 पिस्टल, जिंदा गोली और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। देवघर से अवनीश नौलखा मंदिर के पास एक गोली चलने की घटना थी, हम लोगों को सूचना मिली थी, जिसमें अवन कुमार सिंह की को उसकी जान पर गोली मारी गई थी, वो अभी सुरक्षित है। तो उनके बयान के आधार पर कुल 6 लोगों को नामजद किया गया था और इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसको ये जिम्मा दिया गया था कि तुरंत इसमें अनुसंधान करके शामिल सभी अपराधियों को पकड़ें। तो उसमें एक अच्छा काम करते हुए तुरंत उसमें अनुसंधान करते हुए और टेक्निकल इनपुट्स की सहायता से कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 6 वो हैं जिनको नामजद किया गया था। बाकी 2 लोग वो लोग हैं जिन्होंने इन 6 लोगों को अपने घर में शेल्टर दिया था, तो उन्हीं दोनों के घर से, वो दोनों भाई हैं, उन दोनों भाइयों के घर से इन सभी लोगों को पकड़ा गया। उनके पास में एक बाइक हम लोगों को बरामद हुई है, जिसका यूज़ क्राइम सीन पर किया गया था, होंडा शाइन बाइक। इसके अलावा 2 पिस्टल जिनका यूज़ घटना में किया गया था, 9mm की पिस्टल और 7.62mm की पिस्टल, कुछ जिंदा गोली और कुछ मोबाइल फोन हम लोगों को मिले हैं। घटना में यूज जो गाड़ी का है उसको भी हम लोग बरामद करने की कोशिश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।